दें 100 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है वो बीत चुका है, लेकिन अभी तक खालिस्तानी अमृतपाल सिंह को पुलिस और तमाम एजेंसियां जो है पकड़ नहीं पाई है। जी हाँ, पंजाब पुलिस अमृतपाल की धरपकड़ की लगातार कोशिशें कर रही है। अमृतपाल की लगातार अलग अलग तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं, लेकिन उसकी गिरफ्तारी कब होगी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके बारे में पुलिस अब तक कुछ भी कह नहीं पा रही है। जो नई तस्वीर सामने आई है उसमें वो जुगाड़ मोटर गाड़ी में बैठकर भागता नजर आ रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से जुगाड़ मोटर गाड़ी है उसमें बैठकर भागता हुआ नजर आ रहा है। कल टाइम्स नाउ नव भारत ने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से एक के बाद एक तस्वीरें अमृतपाल की सामने आ रही है। कभी वो कार से भागता हुआ नजर आ रहा है, कभी वो मोटरसाइकिल पर सवार नजर आ रहा है, कभी ये जुगाड़ गाड़ी पर बैठकर वो भागता हुआ नजर आ रहा है। यानी एक के बाद एक ये 6 तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं कि देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही है कि अमृतपाल किस तरीके से न सिर्फ कपड़े बदल रहा है, अपना हुलिया बदल रहा है और बड़ी ही आसान तरीके से एक जगह से दूसरी जगह भागता फिर रहा है। लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है, पुलिस ने मोटरसाइकिल तो बरामद कर ली है, कई राज्यों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हाथ 6 दिन भी खाली हैं, 5 दिन बीत चुके हैं, आज 6 दिन है, लेकिन अमृतपाल कहां गया? क्या वो पंजाब में है या पंजाब से बाहर जा चुका है या फिर वो देश से भी बाहर जा चुका है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब पंजाब पुलिस के पास नहीं है। अमृतपाल को लेकर अभी भी पंजाब पुलिस लगातार छापेमारी करने का दावा कर रही है। पड़ोसी राज्यों को भी अलर्ट किया गया है, चाहे हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, यहाँ की पुलिस भी अलर्ट पर है और अमृतपाल को लेकर जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। लेकिन पंजाब पुलिस को अभी भी ये लगता है कि अमृतपाल पंजाब में ही कहीं छुपा हो सकता है, वो किसी गुरुद्वारे में हो सकता है या किसी के घर में भी छुपा हो सकता है। लेकिन इनपुट्स कुछ भी हो, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लेकिन अभी तक कोई सफलता पंजाब पुलिस को नहीं मिली है। इस बीच पंजाब पुलिस ने अमृतपाल का जो परिवार है उससे भी पूछताछ शुरू की है और जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि पंजाब पुलिस दरअसल फैमिली से ये भी कह रही है कि वो अमृतपाल को सरेंडर करने के लिए कहें, लेकिन अमृतपाल का कोई संपर्क परिवार से नहीं है, ऐसा दावा परिवार ने किया है। बहरहाल अमृतपाल की जो पत्नी है किरणदीप कौर, उसकी और उसके परिवार की भी जाँच अब पंजाब पुलिस और दूसरी जो जाँच एजेंसियाँ हैं वो कर रही हैं, क्योंकि ये भी कुछ इनपुट पंजाब पुलिस को मिला है कि किरणदीप कौर का भी कोई खालिस्तानी कनेक्शन हो सकता है, इसलिए अब उनकी पत्नी भी जांच के दायरे में है। इसके साथ साथ जो विदेशी फंडिंग हो रही थी उसकी जांच भी केंद्रीय एजेंसियां भी कर रही हैं, पंजाब पुलिस भी कर रही है। 128 खातों का पता लगा है देश में जहाँ से विदेशी फंडिंग की जा रही थी, ये खाते सभी पंजाब के अलग अलग जिलों में हैं। तो शिकंजा जरूर कसा जा रहा है हर तरफ से पंजाब पुलिस के द्वारा, लेकिन अमृतपाल उनकी गिरफ्त से बाहर है और यही सबसे बड़ा सवाल है, आखिर अमृतपाल कहां गया? जलंधर से वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत। और हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं। मनोज, आज 6 दिन है, 6 तस्वीरें हमने दिखाई, किस तरीके से पुलिस ही इन तस्वीरों को जारी कर रही है, क्या वाकई में अमृतपाल भाग रहा है या वो पुलिस को भगा रहा है? क्योंकि लग तो यही रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, जिस तरीके से लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं और पुलिस तब इन तस्वीरों को जारी करती है जब वो वहां से निकल चुका होता है, तो सवाल बड़ा खड़ा होता है कि पुलिस के हाथ खाली क्यों? देखिए, विडंबना यही है कि अमृतपाल जहाँ जहाँ से गुजरता है, जहाँ जहाँ से वो व्हीकल इस्तेमाल करता है, उसके बाद पुलिस को पता लगता है। बहुत सारी सीसीटीवीज अब आ रहे हैं, बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, खासकर 18 मार्च की जब ये पूरी घटना हुई, उसके बाद से वो कभी ब्रिजा कार में होता है, कभी मोटर बाइक पर होता है, कभी बुलेट पर होता है, कभी वो अब जो रेडे पर फोटो आई है, ऐसी तमाम तस्वीरें घूम रही हैं। लेकिन पंजाब पुलिस के हाथ खाली हैं और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आज 5 दिन बीत चुके हैं, 100 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक पंजाब पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं है। तो जैसे जैसे ज्यादा समय बीतेगा तो अमृतपाल को पकड़ना पंजाब पुलिस के लिए और मुश्किल होता चला जाएगा। और इसी को देखते हुए हमने देखा कि कल कैसे उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, तमाम जो देश के एयरपोर्ट हैं उन पर भी चेक रखा जा रहा है कि अमृतपाल कहीं वहां से निकल ना जाए, आसपास के राज्यों में भी छापेमारी चल रही है, लेकिन कोई सॉलिड इनपुट पंजाब पुलिस के हाथ अभी लगा नहीं है, सिर्फ दावे पंजाब पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। भले ही 154 लोग गिरफ्तार कर लिए हों,
बड़ी गिरफ्तारियां हो, रिकवरीज हो, लेकिन मुख्य जो आरोपी है, जो प्रमुख है वारिस पंजाब डे का, अगर वही नहीं पकड़ा जाएगा तो सवाल तो फिर पंजाब पुलिस से पूछे ही जाएंगे। वाकई में मनोज, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, अमृतपाल अगर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता है तो पंजाब पुलिस पर कई सवाल उठ खड़े होंगे। क्या कोई भीतर से कुछ ऐसे सूत्र भी है जो उसकी मदद कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। अमृतपाल के गुनाहों की लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट से सीधा संबंध अमृतपाल का जो है बताया जा रहा है। पाकिस्तानी ड्रग्स हथियार माफिया से इसका रिश्ता जो है अमृतपाल का बताया जा रहा है। पाकिस्तान से हथियार मंगवाकर ये बांटा करता था। ड्रग्स हथियार की तस्करी में ये जो है वो शामिल बताया गया है। युवाओं के बीच नफरती एजेंडा अमृतपाल जो है वो चलाया करता था। भ्रमित युवाओं की फौज तैयार करने की इसकी कोशिश थी और तैयार भी कर रहा था। ISI के इशारों पर अमृतपाल काम करता था, ये खुफिया इंटेलिजेंस ने बताया है। इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट से इसका सीधा संबंध बताया जा रहा है। किस तरीके से पाकिस्तानी ड्रग्स हथियार माफिया से इसका रिश्ता था, किस तरीके से पाकिस्तान से हथियार मंगवाकर ये बांटा करता था। बावजूद इसके इतने गंभीर आरोप इसके ऊपर हैं, बावजूद इसके देखिए अमृतपाल जो है पुलिस के हाथ से दूर है, पुलिस की पकड़ से दूर है। छठा दिन है आज जब पंजाब पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन बावजूद इसके देखिए अमृतपाल जो है वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है।